भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका और आप नजर डालेंगे खबर जल्दी जल्दी पर। मोदी कैबिनेट विस्तार में प्रकाश जावड़ेकर का प्रमोशन हुआ है और 19 नए चेहरों को जगह दी गई है। वहीं 5 मंत्रियों को केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाया भी गया है। निहाल चंद, राम शंकर कठेरिया, सांवर लाल जाट, मनसुख भाई डी वासवा और एम के कुंडारिया को मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिपरिषद का बड़ा विस्तार करते हुए 19 नए चेहरों को शामिल किया। इसमें कुछ दलित और ओबीसी नेताओं को शामिल किया गया है और साथ ही अगले साल उत्तर प्रदेश और गुजरात में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए इन राज्यों को तवज्जो दी गई है। पर्यावरण मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे प्रकाश जावड़ेकर का दर्जा बढ़ाकर उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। सभी नए चेहरों को राज्य मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई है। केंद्र सरकार ने 3 हाईकोर्ट के नाम बदलने का फैसला लिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट को अब कोलकाता हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट को अब मुंबई हाईकोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट को अब चेन्नई हाईकोर्ट के नाम से जाना जाएगा। केंद्र मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सरकार के इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मंगलवार को केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में ये फैसला लिया गया। केंद्र मंत्री ने बताया कि नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम को भी कैबिनेट की हरी झंडी मिल गई है। इसके अलावा कैबिनेट की मीटिंग में दाल की कीमत पर लगाम लगाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। कम पैदावार को ध्यान में रहते हुए सरकार ने मोजाम्बिक से दाल आयात करने का फैसला किया है। भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार और 4 अन्य लोगों को 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया गया है। मंगलवार को सीबीआई अदालत में पेशी के बाद कोर्ट ने उन्हें रिमांड में भेजने का फैसला किया। जानकारी के मुताबिक सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से पेश वकील ने आरोपियों को 10 दिनों की रिमांड की मांग की थी। सीबीआई की ओर से पेश वकील ने आरोपियों की 10 दिनों की रिमांड की मांग की थी। इनको सोमवार दोपहर बाद सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। मामला 50 करोड़ रुपए से अधिक के सरकारी ठेके दिए जाने में एक निजी कंपनी को अनुचित फायदा पहुंचाने का है। बता दें कि राजेंद्र कुमार केंद्र शासित प्रदेश के 1989 बैच के IAS अधिकारी है। उन्हें सोमवार सुबह केजरीवाल के कार्यालय के उप सचिव तरुण शर्मा और 3 अन्य लोगों के साथ पूछताछ के लिए सीबीआई मुख्यालय बुलाया गया था। जिन सांसदों को आज मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है वो है फगन सिंह कुलस्ते, SS आलुवालिया, रमेश संदपा, विजय गोयल, रामदास आठवले, राजेन गुहेन, अनिल माधव दवे, पुरुषोत्तम रूपाला, MG अकबर, अर्जुन राम मेघवाल, जसवंत सिंह भाभोर, पुरुषोत्तम रूपाला, MG अकबर, अर्जुन राम मेघवाल, जसवंत सिंह भाभोर, महेंद्र नाथ पांडे, अजय टमटा, कृष्णा राज, मनसुख मंडाविया, अनुप्रिया पटेल, CR चौधरी, PP चौधरी और सुभाष राम राव भामरे। केंद्र में मंत्री बने रामदास अठावले ने शपथ लेने के दौरान गलती कर दी। हालांकि बाद में उन्होंने माफी मांगते हुए शपथ पूरी की। जब वो शपथ लेने के लिए गए तो बिना अपना नाम लिए शपथ पढ़ना शुरू कर दिया। इस पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उन्हें गलती ठीक करने के लिए कहा। मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही मंत्रिमंडल में शामिल 6 पुराने मंत्रियों ने इस्तीफा भी दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक इन मंत्रियों ने PMO को अपना इस्तीफा भेज दिया है। इस्तीफा देने वाले मंत्री हैं निहाल चंद, रामशंकर कठेरिया, सांवर लाल जाट, मनसुख वसावा, मोहन कुंदरिया और GM सिद्धेश्वरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट विस्तार से पहले कहा कि ये कैबिनेट में फेरबदल नहीं है बल्कि एक विस्तार है। उन्होंने कहा मोदी को मोदी की इमेज बनाने के लिए काम नहीं करना चाहिए। देश की ग्लोबल इमेज प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के पुत्र कार्ति चिदम्बरम को 2G घोटाले के ASL मैक्सिस मामले में कथित धन शोधन की जांच के सिलसिले में समन जारी किया है। अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी ने कार्ति को नोटिस जारी किया था कि वे व्यक्तिगत रूप से या अधिकृत प्रतिनिधि के जरिए एजेंसी के समक्ष उपस्थित हो। 2002 के मुंबई हिट एंड रन मामले में बॉलीवुड स्टार सलमान खान को बरी करने के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फास्ट ट्रैक सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इतने अहम मामले लंबित है, ऐसे में इस मामले को सिर्फ इसलिए फास्ट ट्रैक नहीं किया जा सकता है कि इसमें XYZ शामिल है। प्रियंका गांधी बहुत जल्दी राजनीति में एंट्री कर सकती है। कांग्रेस से जुड़े सूत्रों ने बताया कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले प्रियंका राजनीति में आने के लिए राजी हो गई है और इस बारे में अगले 48 घंटे में ऐलान कर दिया जाएगा।
दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का नाम कांग्रेस की तरफ से यूपी में मुख्यमंत्री पद के लिए लिया जा रहा है। जब 78 साल की शीला दीक्षित से इस बाबत पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि अगर पार्टी चाहेगा तो मैं लड़ूंगी। शुरुआत में शीला दीक्षित ने इस विचार को नकार दिया था। जमीन अधिग्रहण बिल के मुद्दे पर किसानों को साथ लेकर सरकार को बैकफुट पर लाने वाले राहुल गांधी अब आदिवासी आंदोलन की तैयारी में हैं। सूत्रों के मुताबिक राहुल ने एक रोड मैप तैयार किया है जिसके तहत आदिवासी बहुल 7 राज्यों में आदिवासियों के अधिकार की बात उठाई जाएगी। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार मुश्किलों में पड़ सकती है। आम आदमी पार्टी ने राज्य के 118 विधायकों पर आरोप लगाया है कि वो लाभ के पद पर पदस्थ है। शिकायत के अनुसार 116 विधायक राज्य भर के कॉलेजों के जन भागीदारी समिति के सदस्य हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब प्रधानमंत्री मोदी की तर्ज पर जनता से सीधे जुड़ने के लिए टॉक टू ए के नाम से खास कैंपेन शुरू करने वाले हैं। 17 जुलाई को सुबह 11 बजे इस कैंपेन को लॉन्च किया जाएगा जिसमें केजरीवाल लाइव वीडियो के जरिए लोगों से बात करेंगे। बिहार की राजनीति में जीतन राम मांझी को लेकर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है। पूर्व सीएम मांझी का रुख नीतीश कुमार के लिए फिर से बदलने लगा है। मांझी ने यहां तक कहा कि वह नीतीश या लालू के साथ उनका कभी कोई मतभेद नहीं रहा और दोनों उनके भाइयों की तरह ही हैं। केंद्र सरकार ने अभिनेता अमिताभ बच्चन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी स्वच्छ भारत अभियान का चेहरा बनने के लिए संपर्क किया है। इससे पहले खबरें थी कि अमिताभ को सरकार के अतुल्य भारत अभियान के लिए तय करने की सरकार की योजना पर पूर्ण विचार हो रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने दाखिले के लिए दूसरी कट ऑफ लिस्ट सोमवार को जारी कर दी। इस लिस्ट के आधार पर दोबारा दाखिला शुरू हो गया है। कैंपस के पॉपुलर कॉलेजों में कट ऑफ में मामूली गिरावट आई है जबकि ऑफ कैंपस कॉलेजों में करीब 6% तक कट ऑफ डाउन हो गया है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों में खामियों, भट्टों में कटौती और न्यू पेंशन स्कीम के खिलाफ 11 जुलाई की प्रस्तावित हड़ताल को रेलवे ने अवैध घोषित कर दिया। इसके तहत रेलवे बोर्ड ने 7 जुलाई के बाद कर्मचारियों को लंबी छुट्टी नहीं देने का आदेश जारी किया है। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ने योग गुरु बाबा रामदेव प्रायोजित पतंजलि आयुर्वेद के उत्पादों के विज्ञापनों को भ्रामक और प्रतिस्पर्धी फर्मों के उत्पादों पर आक्षेप करने वाला बताया है। उसके मुताबिक पतंजलि आयुर्वेद अपने विज्ञापनों में प्रतिस्पर्धी कंपनियों के उत्पादों का अपमान करती है। सऊदी अरब के 2 शहरों में सोमवार शाम को एक साथ 2 धमाके हुए हैं। कातिफ और मदीना दोनों जगह मस्जिद के पास ये धमाके हुए हैं। 2 अलग अलग जगह हुए धमाकों में 4 लोगों की मौत हुई है। शुरुआती जाँच में पता चला है कि एक आत्मघाती हमलावर पाकिस्तान से है। बांग्लादेश में आतंकवादी हमले में मारे गए 7 जापानी नागरिकों का शव मंगलवार की सुबह स्वदेश लाया गया। बांग्लादेश से हमले के शिकार हुए लोगों को वापस लाने के लिए गया जापान सरकार का विमान मंगलवार की सुबह टोक्यो के हनेदा हवाई अड्डा पर पहुंच गया। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस के अवकाश के उपलक्ष्य में व्हाइट हाउस में अपने देश की सेना का जश्न मनाया और साथ ही अपनी बेटी मालिया के 18वें जन्मदिन पर भी बधाई दी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का स्पेसक्राफ्ट जूनो 5 साल का लंबा सफर तय कर बृहस्पति की कक्षा में पहुँच गया है। जुपिटर की कक्षा में पहुंचने के लिए जूनो ने 5 वर्षों में करीब 280 करोड़ किलोमीटर का सफर तय किया है। नासा के लिए ये मिशन चुनौतियों से भरा रहा। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और चमोली जिलों में लगातार बारिश के कारण 4 दिन पहले बादल फटने और भूस्खलन से आए भारी मलबे से 2 और शव बरामद हुए हैं। इसके बाद मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर आज 20 हो गया है। लापता करीब 1 दर्जन लोगों को ढूंढने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही है। पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली सोमवार को बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ इफ्तार पार्टी में दिखे। गांगुली ने यहां पर टोपी भी पहनी और प्रार्थना भी की। पार्टी का आयोजन मॉमडन सपोर्टिंग क्लब ने किया था जिसमें सीएम ममता बनर्जी मेहमान थी, 1200 मुख्य अतिथि भी थे। कोलकाता हाईकोर्ट के एक फैसले की वजह से भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली के 1.5 करोड़ रुपए बच गए हैं। मामला कुछ यूं था कि सर्विस टैक्स अथॉरिटी ने गांगुली से आईपीएल में खेले गए मैच और उनके लेख और प्रदर्शन पर टैक्स मांगा था जिसे कोर्ट ने गलत ठहरा दिया। दुनिया की नंबर 1 जोड़ी और गत चैंपियन भारत की सानिया मिर्जा और स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए
अमेरिका की क्रिस्टिना मैकेल और लातविया की जेलेना ऑस्टेपेंको को रोंदकर विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप के महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरों को हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। नमस्कार।